अभी दोनों बच्चे इतने ज्यादा रो रहे थे कि मुझसे तो संभला नहीं जा रहा था। एक चीज कहूंगा किसी से भी, आपसे या कोई भी हो, कि जो आंखों देखी बात होती है ना, हर समय वो सही नहीं होता है। उसके बैकग्राउंड के पीछे स्टोरी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में छानबीन कर लेना ना, तब जाके किसी को उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर कहना एक अच्छा राय माना जाता है। तो यार इन बच्चों को संभाल के ना खिला पाना यार इतना देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। दो दो बच्चे हैं और इधर भी बच्चे ही बच्चे हैं, पूरा सब रोते रहते हैं। मत मत करो, खुशबुका कर दे। देख 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 ना, दीक्षिका ले जा खिला बैठा। अरे भगवान जाने रोपा ऊपर ना तो लगे छे ना लगे, मैं रखू आप नहीं हो पा। इस लड़की को कल दो दिन हो गया, आज तीसरा दिन है, वो आज चार दिन है। यार दो दो बच्चे हैं और दोनों एक दो महीना के आगे पीछे, मतलब 7-8 महीने, साल भर किसी को नहीं हुआ है और सब परेशान करके रख देते हैं। उधर देखो गोलू को, उधर देखो। पूरे दिन खिलाना है, खिलाना है, देखभाल करना है, जाके शाम को नहाना है। कल ही कपड़ा साफ हुआ था और आज पहना हूँ, सब धूल मिट्टी लात के ना सब एक बराबर कर दे रहे हैं। मेरा तो हालत खराब कर देते हैं बच्चे। अब देखो आगे क्या होता है। अभी दोनों बच्चे इतने ज्यादा रो रहे थे कि मुझसे तो संभला नहीं जा रहा था। एक चीज कहूंगा किसी से भी, आपसे या कोई भी हो, कि जो आंखों देखी बात होती है ना, हर समय वो सही नहीं होता है। उसके बैकग्राउंड के पीछे स्टोरी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में छानबीन कर लेना ना, तब जाके किसी को उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर कहना एक अच्छा राय माना जाता है। ना कि जल्दबाजी में यूँ ही बस जो देखा जो सुना वही बोल दो, क्या पता वो बोलने की वजह के पीछे क्या कहानी है। जो दृश्य देख रहे हो उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, तो बिन जाने किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। अभी शायद बच्चे के मम्मी लोग आए हैं तो खाना उन्हें खिला रहे होंगे, दूध पिला रहे होंगे, और मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। आया था यहाँ पे, पानी चालू कर दिए थे तो पानी ख़त्म, बंद किया, हाथ पैर धोया, और आज मेरा पिकअप डे है, जो कि टी शर्ट है उसका, और वेट कर रहा हूँ। वेट करने के साथ साथ चलो खाना भी खा लेता, खा लिया जाए, और कल वाला ब्लॉग को थोड़ा सा एडिट कर लेना है और थोड़ी सी डिटेल में बात आगे करता हूँ। अभी तो फिलहाल काम चोरी करता हूँ। तो यार आज का फिर से ब्लॉग ना फ्रंट कैमरा से स्टार्ट कर दिया है। क्या है ना कि बैक कैमरा से मेरा फ्रेमिंग थोड़ा अच्छा से पता नहीं चल पाता है कि कितना ज़्यादा है या नहीं है लुक वाइज, और वीडियो नहीं दिख, हाँ दिख गया। क्या ना कि अभी बच्चों का टाइमिंग हो गया है, स्कूल की छुट्टी का वक्त, यानी 4:28 तो छुट्टी हो चुका है, घर बार आ रहे हैं, बात करते आते हैं, मस्ती मजाक में आते हैं। और अभी हमारी घर के जो बच्चा है उसकी मम्मी आ चुकी है, क्योंकि शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा रोने लगता है, काम वाम करने नहीं देता है, खाना पीना बनाने में तकलीफ़ होता है, तकलीफ क्या मतलब परेशानी हो जाता है, बच्चे को खिलाना और खाना पीना बनाना भी तो होता है। और मैं नहाया नहीं हूँ अभी तक, जस्ट कल वाला सामान का रिटर्निंग था तो अभी जस्ट दिया, और देने के बाद जस्ट चेक कर रहा था कि अपडेट हुआ कि नहीं, तो अपडेट तुरंत फौरन नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद जाके अपडेट होता है, तो वेट करते हैं, अपडेट हो जाएगा, देन उसके बाद कुछ घंटों के बाद पैसा भी खाते में आ ही जाता है फौरन। तो चलो उससे पहले नहा लिया जाए। और आज वैसे सोमवार है, आज सावन का दूसरा सप्ताह का सोमवार है, तो लोग बाग तो यहाँ भी जाते हैं अपने नज़दीकी बसराज कुंवर में, वहाँ भी जल चढ़ाते हैं और गंगा जल यहाँ से उठाते हैं खरहारा संगम से। सो सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी उसका एक ब्लॉग बना के डेडिकेट दिखाया जाए, कैसे कहाँ से क्यों किस तरह से लोग जाते हैं, लोगों की श्रद्धा और मन्नत क्या क्या रहती हैं। यार फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा क्वालिटी बेटर आता है क्या, शायद मे भी ना हो, कोई बात नहीं, अच्छा आता होगा तो बढ़िया है, कोशिश करेंगे फ्रंट कैमरा से, लेकिन थोड़ा सा फेस में ज़्यादा फोकस जाता है, जैसे कि अभी फेस में दिख रहा हूँ,
जस्ट अभी कैमरा में लुक इट आइस। चलो नहाने के बाद फिर से आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं, दिल की जो बात है जाहिर कर दिया जाए। खूब सब मस्त और स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज का ब्लॉग कुछ खास था नहीं, बच्चों को खिलाते खिलाते आज ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, बहुत ज़्यादा हताश हो चुका था। और लास्ट टाइम पे घर वाले आए और संभाल लिए, नहीं तो मेरा दिमाग का पारा हाई होने वाला था। और जब पारा हाई होता है तो मैं अपनी सारी लिमिट हदें पार कर देता हूँ और पता नहीं क्या क्या करने लगता हूँ। सो आज थोड़ा जल्दी में नहा लिया, लेकिन जल्दी के चक्कर पे क्या था, पानी ख़त्म होने को बचा था। और किसी और के भरोसे बिल्कुल ना बैठना, क्योंकि किसी और के भरोसे अगर बैठोगे तो ज़िंदगी में वहीं के वहीं रह जाओगे, बल्कि नीचे चले जाओगे, आगे बढ़ने के बजाय नीचे चले जाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा सीख मिला, हमेशा रोज़ ना कभी ना कभी रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आज का यही सीख था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से हार नहीं मानना है, क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो मिलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। आज का पिक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट।